से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी, आपके अनुमति से मैं मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना करता हूँ। मैं डॉक्टर सैयद अहमद झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूँ। श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, डॉक्टर लुईस मरांडी, डॉक्टर सैयद अहमद। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से मैं माननीय मनोनीत मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सद्भाव निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता झारखंड का चुन रखूंगा। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुभ संकल्पना से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीलकंठ सिंह मुंडा शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार
इन्हें लाया जाएगा ऐसा मुझे ख्याल होगा। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से मैं मनोनीत मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पछतावा अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इसे झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रोच रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप लोग को ज्यादा नहीं माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से मैं मनोनीत मंत्री माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं चंद्रप्रकाश चौधरी इस पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा
भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रप्रकाश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से मैं मनोनीत मंत्री माननीय डॉक्टर लोइस मरांडी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। अखंडता अक्षुण रखूंगी। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूं। बहुमत संपूर्ण विकास रामगढ़ क्या होता जी रामगढ़ का तो आपका मंत्री बने सभी उपस्थित महानुभावों से अनुरोध है
सभी उपस्थित महानुभाव से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्र कल्याण हेतु अपने अपने स्थान पर सावधान स्थिति में खड़े हो जाए। कम से कम तो 12 मीटर का लगता है। भानु